विष्णु पुराण जो कि पुराणों में सबसे मुख्य पुराण माना जाता है। ये पुराण श्री पराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है और इसके प्रतिपाद हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जो इस सृष्टि के आदिकारण नित्य अक्षय और अव्यय तथा एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण है, समुद्र सूर्य आदि का परिमाण है, पर्वत देवताओं की उत्पत्ति, धर्म व देव ऋषि तथा राजश्रियों का विशद विवरण है। इस पुराण के प्रधान विष्णु होने के बाद भी शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है और मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विशद विवरण किया गया है, साथ ही संक्षेप में राम कथा का भी विवरण मिलता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत है आपका मेरे इस द एम फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों, जो विष्णु पुराण में भविष्यवाणियां की गई है उनके बारे में हम जानेंगे। इस पुराण में उल्लेखित है कि कलयुग के अंत में पाप इतना अधिक होगा कि इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ता चला जाएगा, साथ ही हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचारी चरम अनहद बढ़ जाएंगे। इस समय स्त्री और पुरुष बौने होने लगेंगे, स्त्रियां 8 साल में ही गर्भवती होने लगेगी और मनुष्य का 16 वर्ष की आयु में ही बाल सफ़ेद होने लगेंगे और 20 वर्ष की आयु में मनुष्य का जीवन पूरा होने लगेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी विष्णु पुराण में की गई है और इस पुराण की माने तो कुछ कुछ तो भविष्यवाणी सच भी होने लगी है और दोस्तों, इसके जिम्मेदार भी हम मनुष्य ही हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में पाप इतना बढ़ जाएगा जिससे हमारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ता चला जाएगा और ये बात कहीं ना कहीं सच होती जा रही है। लोग अपना काम निकालने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, चोरी करते हैं, रेप करते हैं, नाना प्रकार के अपराध करते हैं। इससे जाहिर सी बात है प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। साथ ही यदि पुराने समय के लोगों की हाइट और आज के जमाने के लोगों की हाइट को देखें तो काफ़ी सारा फर्क मिल जाएगा। पुराने जमाने में लोगों की हाइट 7 से 9 फीट तक हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों आज के दिन बहुत ही कम लोगों की हाइट 6 फुट तक जा पाती है। और दोस्तों, पहले के लोग चिरायु यानी 100 वर्ष या यूं कहे इससे भी ज़्यादा लोग जीते थे और आज की औसत आयु इतनी गिर चुकी है कि लोगों की आयु 60 से 70 हो गई है, इससे ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इन भविष्यवाणी को पूरा करने में हमारा खुद का हाथ है। हम मनुष्य ही हमारी इस प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं और इसके विनाश का कारण भी बन रहे हैं। और दोस्तों, जब तक इसका उपाय हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, इस सृष्टि का विनाश तय है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में वो भी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।